स्वयं दिख रहे हैं ना, ये इसके अंदर आम की गुठली है अच्छा जी सर। मेरे से वो भी नहीं फेंकी गई, मैंने उसे वॉश करके हाँ वो उसको अंदर मतलब अच्छा मोटा दिखाने के लिए। जी 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 फिर मुझे वो थोड़ा ज्यादा सुंदर नहीं लग रही थी, तो मैंने ऊपर से इसके फर लगा दिया। इसके ऊपर से बंद कर दिया और ये छोटा सा एक प्लांटर बन गया है। घर में अपन मेयोनीज या पिज्जा सॉस जो लेकर आते हैं उसकी है, और ये कैरम की गोटी है। मैंने बनाई है, ये भी डिस्पोजेबल चम्मच से इसकी वीना बनाई है, और ये मीरा मैं आपको नीचे से दिखाऊं, ये पेंट की बॉटल है इसके अंदर। तो ये साइकिल जो आप देख रहे हैं ये मैंने बटन और वायर से हाथ से बनाए हैं। बहुत ये सर मैंने वॉल पुट्टी से और फॉयल सिल्वर फॉयल से बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आया हूँ जयपुर में, और जयपुर में चली हमारी जयपुर सीरीज़ बैक टू बैक टेरेस गार्डन पर मैं विजिट कर रहा हूँ, और काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आ रही हैं और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आया हुआ हूँ नीतू बंसल जी के घर पे, जिनके घर पे है बेस्ट ऑटो बेस्ट के काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं और काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इनका गार्डन। तो जैसे कि आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी वेस्ट आइटम्स यूज़ की हुई दिखाई दे रही हैं अपने गार्डन के अंदर, तो ऐसे ही आप भी अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या चीज़ें मैम ने बनाई है, सारी की सारी चीज़ें आपको मैं आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको मिलवाता हूँ नीतू बंसल जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज अपने घर पर इन्वाइट किया और अपना गार्डन मुझे दिखाया। आपका जितना भी आपने गार्डनिंग करी हुई है और जो भी आपने बेस्ट ऑटो वेस्ट में चीज़ें बनाई है मुझे काफ़ी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को आप अपने बारे में बताइए पहले। जी संदीप जी, आपका स्वागत है। Thank मैं नीतू बंसल, मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ और 10-15 साल से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ। एक्चुअली पहले मेरे पास टाइम कम रहता था, बच्चे मेरे छोटे थे, अभी एक्चुअली बच्चे यंग हो चुके हैं और वो अपने अपने काम में बिजी हैं, तो मुझे अपने पास अपने गार्डनिंग के लिए काफ़ी टाइम मिल रहा है। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी हॉबी है, क्योंकि हर किसी को करना चाहिए, इससे अपना प्रकृति से भी जुड़े हुए हैं और हेल्थ इश्यूज़ भी आपको कम होते हैं अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो। जी। और मेरा ये मानना है कि गार्डनिंग जो है वो आप कम पैसों में करें तो अच्छा है, क्योंकि इसको मतलब आप बहुत पैसे लगा रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं, उसको हेडेक नहीं बनाएं आप, उसको एंजॉय करें। बिल्कुल। तो मैं गार्डनिंग को एंजॉय करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बहुत वेस्ट चीज़ों से कुछ बनाऊँ, छोटी छोटी चीज़ें। मेरे को बड़ा आर्टिस्टिक चीज़ें बनाना बड़ा पसंद है, तो मैं घर के वेस्ट से जैसे कुछ भी निकला मेरे से फेंका नहीं जाता है। इनफैक्ट अगर किसी बॉटल का ढक्कन भी होगा ना, तो मैं सोचूंगी ये शायद किसी प्लांट का नाक कान कुछ बन जाएगा तो मैं उसको भी जमा कर लेती हूँ। Nice. इस चक्कर में मैंने काफ़ी कबाड़ भी जमा कर लिया है वो तो मैं व्यूअर्स को नहीं बोलूँगी कि आप लोग ऐसा करें, बट फिर भी आप मतलब मिनिएचर्स वगैरह खरीदें नहीं और उनको बनाएं, जैसे छोटी छोटी चीज़ों को बनाएं। और आपको मैं आगे दिखाती हूँ वीडियोस में कि मैम का कहने का मतलब ये है कि जो आप ट्री गार्डन्स वगैरह देखते हैं उनमें जो मिनिएचर्स लगे होते हैं वो आप बाय करके लाते होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने देखा इनके ट्री गार्डन्स में जो मिनिएचर्स हैं वो इन्होंने खुद बनाए हुए हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें आपको जो दिखने वाली हैं वो सारी की सारी इन्होंने खुद ही बनाई हुई हैं और बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। तो आज मैं इनके टेरेस गार्डन का टूर लेकर आया हूँ अपने चैनल पे, आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो मैं आपको बता दूँ, मैं ऐसे ही देश के अलग अलग हिस्सों में विजिट कर रहा हूँ, अलग अलग राज्यों में जा रहा हूँ, और वहाँ के जो बेहतरीन टेरेस गार्डन हैं, आप लोग काफ़ी मेहनत करते हैं अपने गार्डन में, उन सभी की वीडियोज़ मेरे चैनल पर आ रही हैं। जयपुर के अंदर भी मैं काफ़ी दिन रहने वाला हूँ और काफ़ी सारे टेरेस गार्डन पर जाने वाला हूँ, काफ़ी लोगों से आपको मिलवाने वाला हूँ। तो अगर आप ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, गार्डनिंग वीडियोज़ आपको पसंद है, गार्डनिंग आप सीख रहे हैं, आपका भी है टेरेस गार्डन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बने बेल आइकन पे भी ज़रूर
क्लिक करिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो डलती है तुरंत आपको नोटिफिकेशन आता है और आप इस सबसे पहले वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मैम के साथ मैं काफ़ी सारी इंस्टाग्राम रील्स भी बनाने वाला हूँ, तो आप जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, चलो बागवानी करेंगे नाम से इंस्टा आईडी भी है हमारी, तो वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। वहाँ पे काफ़ी सारी रील्स आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी आपको मिलने वाली है। साथ ही में हम फेसबुक पे भी लाइव जाने वाले हैं थोड़ी देर में, तो जो भी लोग अगर हमसे फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा। चलो बागवानी करें से हमारी फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी जाके फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि जब भी मैं किसी टेरेस गार्डन में विजिट करता हूँ तो लाइव जाके आपको डायरेक्टली उस गार्डन को दिखा देता हूँ और आपको भी पता चल जाता है कि मैं अभी कौन से राज्य में हूँ और कहाँ पे मेरी गार्डन की शूट हो रहा है। तो आप अगर ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पर यूँ ही बने रहें, और आज की वीडियो को आप स्किप ना करिएगा, क्योंकि स्किप करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। संदीप जी, स्वागत है आपका मेरे नीचे वाले गार्डन में। थैंक यू। अभी हम ऊपर बैठे थे जी, तो अब मैं आपको नीचे से दिखाना शुरू करूंगी कि मैंने जेड की टोपियारीज कैसे बनाई हैं। ओके। तो ये पहली टोपियारी जो आप देख रहे हैं, इसमें मैंने एक लोहे का एंगल लगाया हुआ है जी, उसके ऊपर मैंने ये पहले इसकी ग्रोथ ली जेड की काफी, तो लंबे लंबे मैंने इसकी जब टहनियाँ बन गई ना तो उनको इसके ऊपर बांध के, और फिर इसके बाद ये झूला बनाया जी। और ये मिनीचर्स ये मैंने बाय किए हैं, वैसे मेरी कोशिश यही रहती है मैं हाथ से बनाऊं, तो ये साइकिल जो आप देख रहे हैं ये मैंने बटन और वायर से हाथ से बनाए हैं। बहुत सुंदर। तो इस तरह से आप इनको डेकोरेट कर सकते हैं, और ये मैं आपको बनाना भी बता दूंगी जी, जी ये मैंने जी कैसे बनाया। और ये मैं नीचे देख रहा हूँ कुछ स्टोन्स हैं जो कि पेंट करके आपने रखे हैं जी। जी सर। नाइस नाइस। अब ग्रास मैम, ये ग्रास मेरे आर्टिफिशियल ग्रास लगा हुआ था एक जगह, तो अच्छा, उसका बचा हुआ पार्ट था तो मैंने उसको भी यूज कर लिया। हाँ, भी यूज कर लिया। नाइस। और आगे चलते हैं। ये देखिए जी सर, ये मिनी कामनी है, मिनी कामनी का प्लांट है, और इसको मैंने डेकोरेट कर दिया है, तो इसमें भी आपने काफी मिनिएचर्स वगैरह यूज किए हैं सर। नाइस। ये देखिए फ्रेंड, थर्ड टोपियारी बहुत ही सुंदर। ये जेड की टोपियारी है, और इसको मैंने ये मेरे जो इसके अंदर ये लगा है, ये मेरी एक बाल्टी का हैंडल था जो मैंने बहुत साल संभाल के रखा, तो उसको मैंने फिर निकाल के इस पे लगाया, और छोटी छोटी ब्रांचेस मैंने सब उधर से पीछे से ऐसे लेके और वायर से बांधा। आप इसकी ना ऐसे पिंचिंग करते रहे तो जिससे ये बहुत घना हो जाता है जल्दी से। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको अपनी फिंगर से और ये आगे जो जो आपको एक्स्ट्रा दिखता है जी उसकी आप पिंचिंग कर दीजिए। बहुत सुंदर है। हाँ, और इसमें जो ये आपको बत्तख दिख रही है, मैंने हाथ से बनाई है। ये बनाई हुई है जी सर। नाइस। ये सर मैंने वॉल पुट्टी से और फॉयल सिल्वर फॉयल से बनाई है। अच्छा। तो इसके अंदर सिल्वर फॉयल है और उसके ऊपर वॉल पुट्टी है, फिर मैंने पेंट किया है इसको। बहुत ही सुंदर है जी सर, थैंक यू। ये आगे है, नेक्स्ट देखिए अडेनियम लगा हुआ है। अडेनियम लगा हुआ है सर, और बहुत ही सुंदर। ये कहीं से आए थे, ये एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ लेकर आए थे ये। ओके। तो मैंने इसमें डेकोरेट कर दिया। ठीक है, ये देखिए। और ये जेड टोपियारी जो आप देख रहे हैं, इसमें जो हार्ट देख रहे हैं आप, ये मेरी बेटी का पर्स था। ये पर्स है नीचे जी सर, ये पर्स है, लकड़ी का पर्स था। तो इसमें मैंने ये आगे इसका डोर बनाया है, और ये मैंने स्टोन पेंट किया है जो आप ग्राफ ये देख रहे हैं ना जी, ये स्टोन मैंने पेंट करके और इसको पूरा लुक दे दिया है। बहुत ही सुंदर। ये देखिए हार्ट शेप में जी सर, हार्ट शेप की है, इसमें काफी मेहनत लगती है सर क्योंकि इसकी शेप थोड़े थोड़े दिन में बिगड़ जाती है जी। तो इसमें इसको पूरा हार्ट का शेप देने के लिए तो पिंचिंग आप ये देख लीजिए, मुझे तो इतनी आदत हो गई, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले इनकी पिंचिंग स्टार्ट करती हूँ। नाइस, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये भी। और इसके बगल में देखिए बहुत ही क्यूट, ये पेंगुइन स्टोन है, स्टोन पेंट करके मैंने पेंगुइन्स बनाए हैं, और ये एलिफेंट भी मैंने ही बनाया है सर। ये बनाया हुआ एलिफेंट भी जी सर। नाइस। ये क्या सर, कैसे बनाया आपने? सर ये पुट्टी से बनाया हुआ है। नाइस, बहुत वॉल पुट्टी है, और सर इसके अंदर वो फॉइल है। वाओ। हम चलते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ देखिए यहाँ भी काफी चीजें बनाई हुई है। सबसे पहले आ गई हमारे सामने बॉटल, ये इसमें ये पिस्ता के छिलके हैं। अच्छा। तो हमारे घर में कोई कुछ खाता है केले का छिलका, पिस्ते का छिलका, मुझसे पूछते हैं लोग फेंक दें या आपको दे दें,
तो मैं मोस्टली उनसे ले ही लेती हूँ तो ये इस पे मैं देख हाथ रहा हूँ कि रोप भी आपने यूज़ करी है, तो ये जी। जूट रोप है? नहीं सर, ये नॉर्मल घर की कोई भी एक रस्सी है, उसको मैंने खोल अच्छा, के और पेंट कर दिया है, वाह, ब्राउन कलर इस पे कर दिया ब्राउन है। कलर कर दिया देखने सर। में जूट रोप लग रही है, बहुत ही सुंदर लग हाँ रहा है। इसके बगल में देखिए फ्रेंड, ये है ट्रेन। ये मेयोनीज की बॉटल्स हैं खाली, ओ जो घर में अपन मेयोनीज या पिज़्ज़ा सॉस जो लेकर आते हैं जी, उसकी हैं, और ये कैरम की गोटी हैं। अच्छा, जी सर, ये कैरम वाह, की गोटी हैं, और इसके अंदर ये जो है ये अपने पानी वाला पाइप होता है अच्छा, जो आप हाँ उसकी निप्पल वो, लगाते हाँ हैं हाँ पानी के जी लिए, जी 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 तो उसको मैंने कट करके उसका वाह, धुआं निकलने की ये जगह तो बनाई मैम है। अमेजिंग क्रिएशन हो गई, बहुत ही सुंदर लग जी रहे हैं। सर, थैंक यू सर। तो ऐसे आइडियाज़ फ्रेंड देखिए कितने सुंदर आइडियाज़ हैं, तो आप भी अप्लाई ज़रूर करिए, काफ़ी सुंदर लग रही है ट्रेन। जी सर। और आगे की तरफ हम चलें तो यहाँ पे मेरे को एक ये लेडी दो दिखाई दे रही है सर पे मटका लेके। बॉटल हैं जो मैंने जोड़ के बनाए हैं, वाह इसमें आपको मैं नीचे से भी एक बार दिखाना चाहूँगी। जी, तो ये एक बॉटल को कट अरे वाह, करके ये मैंने, खोखली है बिल्कुल, हाँ जी जी अच्छा, इसमें मैंने ढक्कन ही इसके ऊपर से बंद कर दिया, वाह और ये छोटा सा एक प्लांटर बन गया है मेरा। नाइस। तो फ्रेंड ये है बिस्लेरी की बोतल, देखिए कि कितने अच्छे से, कितने सुंदर तरीके से पेंट करा है। देखने में तो ऐसा लगता है कि सर टेराकोटा का ये होगा। दुपट्टा भी पुट्टी से ही बनाया है मैंने इसका, जी 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 बहुत सुंदर है मैम। ये एडिनियम मैंने गूंथ के बनाया है ओके, बहुत ही सुंदर लग इसकी। रहा है ये हाँ, जो ऊपर भी देख। एक्स्ट्रा लेंदी एडिनियम की ब्रांचेस हो जाती हैं उसको निकाल के आप उसको गूंथ के बना सकते हैं, जी 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 तो ये मैंने वो तो ये बनाया। एडेनियम का केज में हमने बनाने की जी कोशिश सर। करी है, जो कि काफ़ी सुंदर हाँ, लग रहा ब्रीडिंग की है। है सर, और इसके बगल में देखिए यहाँ पे भी कुछ आपको बोनसाई नज़र है। आएंगे बोनसाई, और इसमें भी काफ़ी मिनीचर्स वगैरह यूज़ कर रखे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे आ चुका है बहुत ही सुंदर एग्लोनीमा लिपस्टिक जी सर, प्लांट लिपस्टिक है, एग्लोनीमा है। और इसके बगल में भी आप देखेंगे अगेन। ये वाला जेड के बारे में मैं आपको बताना जी चाहूँगी। जी जी ये मेरे व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहती हूँ, जिन लोगों के पास 15 या 20 साल पुराना जेड प्लांट नहीं है जी तो वो क्या कर सकते हैं, जब जैसे आप नया जेड प्लांट लेकर आए उसकी आप ब्रांचेस को काट लीजिए, जी काट के आप थोड़ा सा उनको है ना साइड से छील लीजिए, जैसे आप हमारी स्किन जैसे छिल जाती है तो हमारे टिश्यू जी जो अपने आप से डेवलप हो जाते हैं, इस तरह से इनको एक साथ आप है ना ये वायर से बांध दीजिए तो जी ये आपका बोनसाई का लुक देगा, ओके और आप पिंचिंग करते रहें इसकी, पिंचिंग ओके, जितनी आप करेंगे उतना ही ये बुशी हो जाएगा, और जिससे ये सुंदर दिखेगा आपका, ये तो ये जेड का देख लुक सकते हैं देगा। मैम ने जैसा कि बताया ना, तो इनको सबको साथ में मर्ज किया हुआ है और ऊपर से देखने में काफ़ी सुंदर बॉल दिखाई दे रही है आपको। थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलेंगे फ्रेंड, तो यहाँ भी देखिए काफ़ी सारे इनके प्लांट्स हैं। यहाँ पे अडेनियम भी है, ये एडिनियम मेरा क्लैंचू काफ़ी भी है, पुराना है, छोटा सा मैंने इसको लगाया था अच्छा, और अभी ये इसका कॉर्डेक्स अच्छा मोटा हो गया है, ये बहुत छोटा सा लगाया था मैंने इसको। और इसके बगल में भी आप देख रहे हैं जी अगेन सर। सारे के सारे प्लांट हैं। आई थिंक मैम ये सारे प्रोपोगेट कर रखे हैं जी आपने। सर, प्रोपेगेट किए मैंने ये नाइस सब नाइस, ना। बहुत ही सुंदर है। जी तो सर। चलिए अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। जी सर। सर मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी, जी ये एक्चुअली बॉटल नहीं है, ये मेरे एक्वा गार्ड में से जो, अच्छा, हाँ एक्वा गार्ड आरओ का पार्ट आरओ है। जो हाँ होता है, हाँ हाँ आरओ का एक टूटा हुआ टुकड़ा था, जी तो मैंने जी दो पीसेस जोड़ के आरओ के ही टुकड़े हैं ये, अच्छा, और उनका एक बॉटल का शेप दे दिया है। नाइस नाइस, तो मेरे घर से कुछ भी वेस्ट बाहर नहीं जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कुछ भी कबाड़ होता है लोगों के हाथों से भी ले लूँगी, और कबाड़ में इकट्ठा करती रहती हूँ, काफ़ी मैंने अपनी अलमारियाँ भी भर ली हैं कबाड़ से, लेकिन उससे कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडिया आता ही रहता है तो मैं बनाती रहती हूँ। मैम हाँ अब जी। क्या दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को आप? जी सर, मैं ये बॉटल भी दिखाना चाहूँगी आपको, ये वाओ, चाइनीज़ डॉल है, ये भी मैंने पुट्टी से बनाई है, आप इसकी चोटी देखिए। बहुत ही सुंदर है। पेंट जो आपने किया है मैम वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे जी को, सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छे से ये पेंट कर रखे पेंट हैं। एक्रिलिक पेंट है, जी नॉर्मल एक्रिलिक पेंट है, ओके और अगर आप इसको पानी से बचाना चाहते हैं तो आप वार्निश का एक जरा सा वो लगा ओके, सकते हैं इसके ऊपर। नाइस नाइस। ये अगेन बॉटल्स यूज़ करी बॉटल्स हैं हैं सर, अब और ये ये सीडी हैं पुराने बेस अपने, में सीडी आ गई, वाह। हाँ पुराने सीडी हैं। देखिए फ्रेंड अमेजिंग आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं। नीचे मैं देख रहा हूँ मैम ये ये बॉटल का ही पार्ट है छोटी, ओके, और ये बॉटल का ढक्कन है, और एक बेटे का ही कुछ पड़ा हुआ था तो नाइस, तो उसको ये आपने ऊपर करके। टर्टल बनाया हुआ है, जी सर, जी वाह, सर, टॉर्टाइज है ये, और ये, टर्टल्स, हाँ जी सर, नाइस, और ये पुट्टी है, पुट्टी के दो राउंड बॉल्स बना के जी जी और जी उसके ऊपर मैंने ये ढक्कन लगा दिया उसका,
बहुत ही सुंदर लग रहा है सर, थैंक तो यू फ्रेंड्स, आप एक तरफ वेस्ट आइटम को यूज़ तो करते ही हैं, जी सर, साथ ही में अपना जो गार्डन है उसको भी आप सुंदर बना सकते हैं। जी सर, ये पांडा दिखाइए सर, ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी वॉल पुट्टी से बनाया है। एक्चुअली इसकी तो ये कहानी है कि रात में मैं जब बहुत थक गई थी तो मैंने ना पुट्टी को बिना ही कुछ बनाए ऐसे ही रख दिया। नेक्स्ट डे मेरा वो पुट्टी फेंकने को मन नहीं किया तो मैंने उसको शार्प नाइफ से ना छील के और उसको ये पॉम पॉम लगा के उसका पांडा बना दिया। बहुत सुंदर जी सर। और ये देखिए, ये बॉटल है, जेंटल की बॉटल है ये जी, जो अपना लिक्विड वॉश आता है जी, जेंटल जी, आता है लिक्विड वॉश, उसको मैंने सब कट करके इस तरह से शेप दे दिए। तो मोर बना दिए हैं, मोर बना दिए हैं जी सर, और डॉल्फिन बना दिए हैं। हाँ, स्वैन है ये, और बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ, तो इसी टाइप से फ्रेंड आपके भी घर में आती होंगी इस टाइप की गेंस, तो आप भी उसको इजीली बना सकते हैं, जस्ट आपको कटिंग वगैरह करना है और कलर कर देना है। हाँ, एक स्टेंसिल बना लीजिए पहले, पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए, उस पेपर को आप रख के और मार्कर से आप उस पर ड्रॉ करके और बॉटल्स को कट कर सकते हैं। नाइस। उसके बाद आप कलर्स देख के भी फिल कर सकते हैं कि कौन से वाले कौन सा जो बर्ड है जिसमें कैसा कलर रहता है वैसा आप कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी बहुत सारे मैम ने पॉट्स बना रखे हैं, ये सब वेस्ट से हैं, ये भी सारे वेस्ट से हैं। ये आप पेन किलर, जो पेन होता है वो क्या स्प्रे रहता है ना, अच्छा, वॉलिनी का स्प्रे, ओके, वो उसका ढक्कन है तो वो मैंने इसमें यूज कर दिया है। वाओ, इसके बगल में देखिए यहाँ पर भी ये सारी बॉटल्स ही यूज़ करी हुई हैं, छोटी छोटी बॉटल्स हैं, और ये जो इसके हाथ और पैर हैं ये आपके डिस्पोजेबल चम्मच आते हैं जो, अच्छा, ये वो हैं। नाइस नाइस। ये इसके कान भी डिस्पोजेबल चम्मच से बने हुए हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। इनियम है मेरा, हाइब्रिड है, अभी तो एक्चुअली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, 42 डिग्री हो गया, नहीं तो ये काफ़ी फ्लावर्स से भरा हुआ था तो थोड़े दिन पहले। जी सर, ये बेस में बहुत अच्छा डेकोरेशन है, आइसक्रीम की वो है, मटकी है, तो मुझसे फेंकी नहीं गई तो मैंने इसका जेड के साथ, जेड एक इजी मतलब ग्रोइंग प्लांट है, उसको आप कैसे भी बनाना चाहें वो आपको बहुत कोऑपरेटिव प्लांट कह सकते हैं इसको, कि जो लर्नर्स हैं जो वो लोग जेड प्लांट यूज़ करें सबसे पहले। जी, जो भी बिगिनर्स हैं वो जेड से स्टार्टिंग कर सकते हैं। हाँ, वो जेड प्लांट से शुरू करें क्योंकि वो आपसे कुछ मांगता नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने पुट्टी से बनाया है सर, बहुत ही सुंदर। तो ये आपने अभी एक पार्ट वहाँ पे देखा था, एक यहाँ पर है, जी सर, बहुत ही सुंदर अडेनियम लगा हुआ है इसमें, बगल में फिर से अडेनियम का ही ट्रे गार्डन आप देख रहे हैं जी। ये मीरा मैंने बनाई है, ये भी डिस्पोजेबल चम्मच से इसकी वीना बनाई है, और ये मीरा मैं आपको नीचे से दिखाऊं, ये पेंट की बॉटल है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, नाइस नाइस नाइस। पेंट की बॉटल के ऊपर मैंने पुट्टी से इसको बनाया। देखिए यहाँ पर भी आपको मटकी नजर आ रही है छोटी सी, बहुत ही सुंदर, मतलब जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, आपको काफ़ी आइडियाज़ आज मिल रहे हैं। बगल में देखिए यहाँ पे आ चुकी है, ये जो आपको स्वैन दिख रहे हैं ना, ये इसके अंदर आम की गुठली है। अच्छा जी सर, मेरे से वो भी नहीं फेंकी गई, मैंने उसे वॉश करके वो उसको अंदर मतलब अच्छा मोटा दिखाने के लिए, जी जी जी, फिर मुझे वो थोड़ा ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही थी तो मैंने ऊपर से इसके फर लगा दिया। वाओ, फर लगा के तो और भी अच्छा लग रहा है, फर लगा के वो सुंदर लग रहा है। देखिए फ्रेंड, तो आम की गुठलियों से भी ऐसे ही क्रिएशन हो सकती है, बहुत सुंदर है। बगल में चलते हैं तो यहाँ पे ये मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज बनाई थी, अभी तो एक्चुअली कलर थोड़ा फेड हो गया है इसका। अच्छा, पानी देते हैं जब, ये स्टोन पेंट करके आपने किया, स्टोन पेंट किया सर। नाइस नाइस। और बगल में देखिए कोलियस प्लांट है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही हेल्दी है। हाँ, कोलियस के मैम के पास मैं देख रहा हूँ, हाँ, दो से तीन तरह की वैरायटीज हैं, अभी मैंने छत पे भी देखा था, वो भी हम दिखाएंगे आपको जी। आउल ये मेरा स्टोन से बना हुआ है, वाओ, ड्रॉ करके। और इसे पीछे मैम अडेनियम के पीछे ये मैंने घर बनाया है, ये मैंने एक्चुअली इसके ऊपर स्नो दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, और ये इसकी सीढ़ी है, एक्चुअली निकल गई है। वाओ, पेस कर लेंगे। नाइस, बहुत ही सुंदर। अरे वाह, बगल में ये देखिए कितना सुंदर फाउंटेन है, ये मैंने पूरा स्टोन और सीमेंट से हाथ से बनाया है। इनफैक्ट इसकी जो नीचे की ये ट्रे देख रहे हैं आप जी, तो ये भी सीमेंट से ही बनाई है, एक टब के ऊपर मैंने सीमेंट उल्टा करके उसको टब को, और एक पॉलीथीन लगा के उसके ऊपर खूब सारा सीमेंट लगा के एक पहले ट्रे बनाई। एक्चुअली स्टोन का वजन बहुत ज़्यादा होता है जी, तो कोई भी ट्रे में जो रेडी ला रही थी वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था मेरा काम। अच्छा, तो मुझे फिर ये खुद करना पड़ा, सीमेंट का खुद ही बनाना पड़ा जी सर, सीमेंट का बोल बना के।
तो दो जो दिन उसको रिजल्ट है मैं वो बहुत ही वो अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत ही आया। सुंदर लग रहा फिर है। इसमें मैंने ग्लास पेंट किया तो थोड़ा और अच्छा लगने लगा। नाइस नाइस। और इसमें देख रहा हूँ काफी सारे स्टोन भी आपने पेंट करके जी रखे सर, हुए ये हैं। स्टोन सब मैंने पेंटिंग करे हैं। ये आप नाइस, फ्रॉग दिखाइए सर, वाओ, अरे एकदम वाह, ऐसा लगता है लाइवली ना। नाइस नाइस नाइस, बहुत ही अच्छा पेंट किया हुआ है, देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आपको इस पर पिक्चर्स नजर आ रही हैं, कार्टून्स वगैरह, और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा। और ये तो फाउंटेन बह रही है आपके सामने, ये देखिए कितनी अच्छी है। सबसे अच्छी बात है कि मैम ने इसको खुद ही बनाया है, बेस वगैरह सब कुछ अपना खुद ही क्रिएट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको भी आइडियाज़ मिल रहे हैं, सिर्फ स्टोन्स और सीमेंट्स को लेकर भी आप इस टाइप की फाउंटेन्स बना सकते हैं। और मुझे सर, लगता है लॉन्ग लास्टिंग है, हाँ, काफ़ी टाइम तक रहने वाला है जी सर। हाँ, एक सबमर्सिबल पंप आता है जी जी, अगर आप ऑनलाइन मंगा लेंगे 250-250 रुपये का आपको सबमर्सिबल पंप मिल जाएगा। एक्चुअली वो कूलर में जो हाँ, यूज कूलर में होता पंप यूज होते हाँ, हैं। वही पंप है ये तो, बट ये एक्वेरियम के लिए अलग से आते हैं, एक्वेरियम फाउंटेन इनके लिए। ओके, तो आप वो मंगवा लीजिए, हार्डली 250-250 रुपये का आएगा आपका। ओके, और उसको आप घर में ही पाइप लगा के और इस तरह से आप लगा से बना नाइस सकते हैं। मतलब 250-300-400 रुपये में आपका ऐसा फाउंटेन बन के तैयार हो सकता है जी। नाइस, ठीक है, और आगे चलते हैं जी सर। ये हमारा ट्रक है, ये उसे पुष्पा ट्रक कह सकते हैं। इसको मैंने कल ही पेंट किया है। नाइस, बहुत सुंदर लग रहा है ये भी। ऊपर चलिए फ्रेंड, देखिए मिनिएचर्स की बात हो रही थी ना, तो अभी काफ़ी मिनिएचर्स आपने मैम के देख लिए। ये मिनिएचर्स कुछ हटके हैं जिनके बारे में मैम हमें बताएंगे। प्लीज़ मैम बताइए कैसे जी कैसे सर, बनाया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी जी, ये लालटेन है, लालटेन है जी। तो इसके अंदर ये मार्बल है। अच्छा, और ये बटन हैं सब। वाओ, तो ये मैंने बटन, ये जैसे बटन सब मैंने ग्लू गन से जोड़े हैं। अच्छा, और इसके ऊपर एक वायर है। वाओ, तो और देखने में ऐसा लग रहा है कि लालटेन ही है, बिल्कुल छोटी सी लालटेन है। है और ये वाली लालटेन देखिए आप, ये पेंट की बॉटल है। वाओ, ये राखी से निकले हुए ऊपर नीचे का सामान है। अच्छा, और सब बटन है, बाकी सब बटन है। नाइस, तो ये इस और एल्युमिनियम वायर आपने यूज कर लिया। जी सर, एल्युमिनियम वायर यूज कर लिया। नाइस, तो देखने में कितना सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर है मैम। और ये हमारी जो है ये सी शेल है सब। अच्छा, मैंने बटरफ्लाइज बनाए इनके साथ। वाओ, सब ये ग्लू गन से चिपका चिपका के ये मैंने बटरफ्लाइज बनाए हैं। बहुत ही सुंदर, तो ये पेंट तो मैम बहुत अच्छा किया है आपने। थैंक यू सर। और ये एक्चुअली कभी भी कहीं घूमने जाते हैं वहाँ से चीजें इकट्ठे कर लेते हैं जी जी, तो मुझे तो होता है कि इसका कुछ ना कुछ बनाना ही है, उसको फेंकना नहीं है। तो अमेजिंग मैम, अमेजिंग जी सर। तो ये सारे के सारे अब आप अपने प्लांट्स पे ही डेकोर करने वाले हैं इनसे। जी सर जी, नाइस। तो एक्वेरियम खाली होने के बाद मैंने फिर इसको मिनिएचर और इस तरह से एक मिनी विलेज और कह लो आप घर, ये सब इसको बनाने की कोशिश की है। तो इसमें जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये नेस्ट दिखाइए सर, ये नेस्ट मैंने खुद से बनाया है। अच्छा जी सर, नेस्ट मैंने एक रस्सी को जरा सा लेके उसमें मार्बल्स रख दिए। नाइस, तो ये नेस्ट बन गया। तो बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स, अगर आपका भी कोई एक्वेरियम ऐसे ख़राब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो कुछ ऐसे ही आप भी डेकोरेशन कर जी सकते सर, हैं। इसमें जो ये पेड़ है ना, इसके जो नीचे तना दिखाई दे रहा है आपको जी, ये न्यूज़पेपर रोल करके मैंने बॉटल पे लगाया था। वाओ, तो इसको आप एज अ प्लांटर भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप अखबार से या किसी चीज़ से ऐसे रोल करके बनाते हैं, उसके ऊपर पुट्टी लगा लेते हैं ना, तो इतना हार्ड हो जाता है, आप पानी भी डालेंगे तो वो खराब नहीं होता। अच्छा जी सर। संदीप जी, अब मैं आपको दूसरी तरफ लेकर आई हूँ। ये जो आप सामने प्लांट्स देख रहे हैं मेरे, तो ये भी वेस्ट मटेरियल आपको दिखेगा, ये ऑयल कैन है। अच्छा, ये नीचे ट्रेन बना रखी है आपने। ट्रेन बनाई है ऑयल कैन से, ये देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रेन बना रखी है। सारी सारी वेस्ट जो हमारी ऑयल कैन होती हैं, उनको मैम ने पेंट कर रखा है। ऊपर आपको अगेन कुछ इंडोर प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, कोलियस वगैरह, मनी प्लांट, फर्न्स नज़र आ रही हैं, ड्रेसिना नज़र आ रहा है, और बहुत ही अच्छे से मैम ने इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है। और थोड़ा सा मैं आपको ऊपर की तरफ दिखाऊं, तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर बोगनवेलिया है, जो कि इनके घर का फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो और भी सुंदर लगेगा। फ्रंट में भी आपको मैं लास्ट में दिखाने वाला हूँ, तो क्योंकि राजस्थान में है, जयपुर में है, तो यहाँ पर तो बोगनवेलिया की बहार है, आपको हर जगह बोगनवेलिया नज़र आते हैं, तो यहाँ पर भी
काफ़ी अच्छे से इसकी फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसके अलावा भी अगर आप जयपुर में घूमेंगे तो आपको इसी टाइप से बोगनवेलिया जगह जगह पे नज़र आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में नज़र आते हैं। सर आप पीछे बर्ड्स की आवाज़ सुन पा रहे हैं ना? बिल्कुल मैम, जी बिल्कुल। सर, ये कनेर के मेरे पेड़ पे बहुत बर्ड्स रहते हैं। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग मैंने ऊपर टमाटर भी लगा रखे हैं एक जगह, मैं आपको दिखाऊंगी, तो अर्ली मॉर्निंग वो टमाटर भी खाते हैं और मतलब इतना अच्छा नेचुरल सीन होता है मेरा कि आप अगर एक बार छत पे चले जाते हो तो आप नीचे आने को मन नहीं करता। नाइस, तो इतनी सुंदर बर्ड्स की आवाज़ आती है, यहाँ कोयल की भी आती है, दूसरे बर्ड्स की भी आती है, और इतने छोटे छोटे बर्ड्स इतने सुंदर आते हैं, सिल्वर कलर के, सिल्वर ब्लू कलर के, बहुत सुंदर होते हैं वो। Nice. वो और कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जैसे हमें लगाने भी नहीं पड़ते, कॉक्सकॉम वगैरह रहते हैं जी, जी, जी. वो तो ये लोग, ये बर्ड्स भी आपको बहुत हेल्प करते हैं लगाने बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी, एक तो आप येलो कलर का जो फ्लावर आता है, कोई भी येलो कलर का फ्लावर, वो जरूर अपने गार्डन में ऐड करें, क्योंकि ये बर्ड्स को और फ्लाइज वगैरह जो भी है ना उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो बटरफ्लाई वगैरह, तो ये आपका कॉक्सकॉम के सीड्स लाना और इस तरह से ये आपको बहुत हेल्प करते हैं जी। तो उसके बाद तो जैसे ये लोग लगा देंगे, आपको तो बस उसको बचाना है जी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बर्ड्स क्या लगा लाया हुआ मेरा कॉक्सकॉम, उससे अच्छा। मैंने ढेर सारे बना चुकी हूँ। वाओ, मतलब बर्ड्स लेकर आए थे जी सर? बर्ड्स लेकर आए। अच्छा मैम, पीछे मैं देख रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी डेकोरेशन आपने इसे भी करी हुई है, क्रिसमस ट्री है सर जी। ये काफी पुराना है, एक्चुअली स्पेस कम होने की वजह से इसने अपनी लीव्स अपने आप ही छोटी कर ली है। अच्छा, पहले इसके लीव्स बहुत बड़े बड़े थे और ब्रांचेस भी इसके थोड़े छोटे हो गए अपने आप से स्पेस कम होने से। ये वेरिएटेड फर्न है, इसे छाया ही चाहिए, धूप में रखेंगे आप तो इसके लीव्स जल जाते हैं। ओके, सेमी शेड में अच्छा चलता है। हाँ, सेमी शेड में चलता है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये नेस्ले की बॉटल्स सर, वाओ जी सर, नेस्ले की बॉटल्स हैं, मैंने इसमें भी ये फर्न लगाया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, तो बॉटल्स को मैम ने किस तरीके से कट किया है, ऊपर की तरफ से कट करके इसको प्लेस कर दिया है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि वेस्ट हो रही है, वो आप आपको थोड़ा सा आइडिया करना है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी थोड़ी सी लगानी है, और कुछ इस तरीके से आप डेकोरेट उसको कर सकते हैं अपने गार्डन में जी सर। गार्डन गार्डनिंग में मेरे हस्बैंड की भी बहुत हेल्प है जी। इसकी वजह है उनका काम इवेंट का है। अच्छा, तो उनकी भी कुछ कुछ चीज़ें निकलती रहती हैं हमारे, जैसे ये अभी फैन जाता था रेंट पे। अच्छा, तो उसका स्टैंड है। ओके। तो वो बहुत पुराना फैन हो गया था, तो मैंने स्टैंड पे पाइप लगा के अच्छा और इस तरह से ये बास्केट्स टांगे। वाओ, तो जो आपका मतलब बिजनेस है उसमें भी जो चीज़ें वेस्ट होती हैं वो भी आपने यूज़ करी जी सर। संदीप जी, अब अपन वापस हमारे गार्डन में ऊपर आ गए हैं छत पे जी। अब हम मैम का ऊपर टेरेस गार्डन दिखाने वाले हैं फ्रेंड्स आपको, जहाँ पे मैम ने बहुत ही कम खर्च में अपने गार्डन को तैयार किया है। तो मैम आप कहाँ से दिखाना शुरू करने वाले हैं? जी सर, पहले ये सीढ़ी से दिखाना शुरू करते हैं जी। मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे हस्बैंड का इवेंट का काम है जी, और तो उसमें कुछ भी वेस्ट मटेरियल निकलता है तो फिर मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। अगर एक भी टंकी टूट गई तो मेरे लिए तो एक प्लांटर आ गया एक तरह से। अच्छा, तो फिर इस तरह से ये स्टेज की एक सीढ़ी थी उसको मैंने कटवा के और इस तरह से। अच्छा, तो ये जो वहाँ पे यूज करते हैं दूल्हा दुल्हन के चढ़ने के लिए, वो है ये सीढ़ी को मैंने कटवा के और इसका बहुत ही अच्छा स्टैंड बना दिया, स्टैंड बन गया इसका, प्लांट स्टैंड बना दिया। नाइस, और ये बगल में जो मूर्ति देख रहा हूँ, आई थिंक ये भी वहाँ यूज होती थी, ये भी वही यूज होती थी। ये भी मेरे इसकी गार्डन की शोभा बढ़ा रही है। नाइस, मतलब अभी कुछ चेंजेस हुए होंगे, उन्होंने कुछ नए ले ली होंगी मूर्ति वगैरह, तो जो पुरानी वेस्ट हो गई थी। आता रहता ट्रेंड, जाता रहता चीजों का जी, तो कुछ मैं काम में ले लेती हूँ उनमें से उठा उठा के। तो अभी प्लांट्स के बारे में बताते हैं जी। तो अभी जैसे आप ये वाइन देख रहे हैं मेरी, ये नियॉन वाइन है। ओके, तो इसमें बहुत सुंदर एक पर्पल कलर का फ्लावर भी आता है देखिए, और बहुत इजी ग्रोइंग है ये, बहुत सुंदर है जी सर। और ये सेमी शेड में ज़्यादा अच्छी चलती है। ओके, तो और इसको अगर आप जो कॉलियस आता है ये मरून कलर का, पिंक कलर का कॉलियस आता है, अगर आप इसके साथ मिक्स करके लगाएंगे तो ये और भी सुंदर लगता है। एक्चुअली अभी धूप इतनी तेज़ हो गई है तो कॉलियस का सीज़न थोड़ा जा रहा है, तो इस वजह से इसमें मैंने इसके साथ ऐड नहीं किया हुआ उसे। ठीक है, तो ये आप नियॉन कलर का एक यहाँ पे ये कॉलियस देख सकते हैं मेरा। नाइस जी सर, यूफोरिया पे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है जी सर, यूफोरिया पे भी हो रही है। यूफोरिया मिली जो है इसको पानी बहुत कम चाहिए जी, तो ये कुछ भी नहीं मांगता आपसे, आप इसे खाने को दो ना दो ये खुश रहेगा। और आपके जयपुर के क्लाइमेट में काफी अच्छा भी ये
ग्रो करता है। हाँ जी सर, जी सर। नाइस नाइस। और पीछे चलते हैं फ्रेंड, ये देखिए मैं देख रहा हूँ मैम आपने ईंटों का इस्तेमाल किया है क्यारी बनाने जी के लिए। सर, छत पे गार्डनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है जी, क्योंकि लीकेज वगैरह अगर पानी का कहीं हो गया तो फिर छत पे दिक्कत आ जाती है, तो इसीलिए मैंने ईंटों का एक वो बना के क्यारी बनाई है सीमेंट से, और इसके नीचे मैंने ऐसे स्टोन दे दिए। ओके, तो इसमें ये भी आपकी कुछ अलग से रखी होंगी उनको आपने वेस्ट कर लिया। हाँ जी सर, वेस्ट मटेरियल था हमारा। एक्चुअली पुराना घर था जो जब हमने उसे छोड़ा तो बहुत वेस्ट मटेरियल निकला था, तो उसे मैंने कहीं कहीं चीजों को बहुत यूज किया। तो ये सीमेंट लगा के मैंने एटलीस्ट ये 2 फीट ऊंची है क्यारी जी। तो और फ्लोरिंग देखिए फ्रेंड, गेंदे जी लगा सर पहले बहुत थे, अभी तो एकदम से वेदर चेंज होने से जब भी चेंज हो रहा है, और इन अब कहीं ना कहीं गेंदे भी लोग चेंज करके अब समर प्लांट लगाने वाले हैं जी सर, लेकिन अभी भी कुछ कुछ इनके हैं गेंदे कुछ के कुछ फूल, हैं गेंदे के तो उल्टा 3-4 कलर्स थे मेरे पास में। अच्छा जी सर, नाइस। और आपको मैं बताऊं कि घर में से कोई भी चीज खाने पीने की चीजें भी जो है ना, जैसे चावल का पानी और दाल का पानी, मैं वो सब भी उठा के घूमती रहती हूँ, वो सब भी प्लांट्स में डालती हूँ। तो उसी में से मेरे एक लाल मिर्ची के सीड्स निकले थे, तो मैंने वो जगह जगह भी फैला दिए, तो उससे भी आप देखना कहीं कहीं आपको दिखेंगे। ये देखिए आप, ये लाल मिर्ची है मेरी। अच्छा, नाइस नाइस। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सीड डाल दिए थे आपने। सीड डाल दिए थे सर। मैं देख रहा हूँ मैम टायर्स वगैरह भी आपने काफी यूज कर रखे हैं वॉल पे भी, नीचे भी। मैं कुछ भी फेंकती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड कुछ भी बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ मेरे पास इतना कबाड़ जमा हो गया मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने ये टायर्स से ये देखिए ये बैठने सिटिंग एरिया भी बनाया है, बहुत ये टेबल भी बनाया है, और इसमें जो आप ये पाइन कोन देख रहे हैं इसकी भी कहानी सुनाऊं मैं आपको। ये एक्चुअली मैं हिल स्टेशन घूमने गई थी, तो यहाँ क्या है ये सड़क के किनारे पड़े हुए थे, उनकी हालत काफी खराब थी। मेरे हस्बैंड बोले क्या करोगी, मैंने बोला नहीं ये मैं लूँगी, तो मैंने एक सब्जी वाले से थैली ली और उसमें ये भर लिए, घर आके मैंने इसको वॉश किया और पेंट किया। अभी देखो कितना सुंदर वो बहुत सुंदर लग रहा है, और टेबल जो है वो काफ़ी अच्छी टेबल, लग रही है। टेबल, तो फ्रेंड देखिए अगर आपके पास भी टायर्स वगैरह वेस्ट है ना, तो देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन भी होता है, साथ में यूज़ भी होता है, और गार्डन के साथ तो अमेजिंग लुक आती है। तो गार्डन का जो लुक है बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक मैम पीछे साइकिल मुझे दिखाई दे रहा है जी सर, बेटे का साइकिल है, अभी बेटा 20 ईयर्स का हो गया है जी। साइकिल उसकी काफ़ी पुरानी है, एटलीस्ट होगी 12-13 ईयर्स बैक है ये। और इससे इसका एक क्या था, इसमें इसकी ट्यूब में वो हवा नहीं बनाना पड़ता था। अच्छा अच्छा, तो फिर ये मेरे अब काम आ रही है। Nice. तो जैसे आपको मैंने बताया गार्डन में डेकोरेशन हो गार्डन में, ये टूटा हुआ मटका भी है मेरा एक। अच्छा, मैं आपको बताऊं अर्दन पॉट जो होते हैं ना वो प्लांट्स के लिए बेस्ट होते हैं जी, वे ये तो बिल्कुल फेंकने ही नहीं चाहिए जी, आप खरीद के लाओ, उससे अच्छा है कि आपका कोई मटका वटका टूट जाए तो उसको। और यहाँ राजस्थान में तो काफी ज्यादा यूज होते हैं जी सर, बहुत यूज होते हैं। और ये क्या ठंडा बहुत रखता है प्लांट को जी, तो उसमें हेल्दी रहता है प्लांट। मैं देख रहा हूँ मैम यहाँ पे आपने रोजेज लगा रखे हैं, बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है जी सर। रोजेज ये भी सब मैं आपको यही बता रही हूँ, वैसे हम लोग ठीक है परचेज करते हैं, बट ये मैंने सब गवर्नमेंट नर्सरी से खरीदे हुए हैं। अच्छा, तो हार्डली 15 रुपीज में आपको गवर्नमेंट नर्सरी से रोज मिल जाएगा, रोज के छोटे छोटे प्लांट्स मिल जाएंगे जी। तो आप उनको ले आइए, और उनके वो क्या साइंस लैब में एक तरह से बनते हैं, जो बच्चे ये पढ़ रहे होते हैं ना हॉर्टिकल्चर के बारे में, तो ये वो लोग बनाते हैं। नाइस। तो ये आपके मरेंगे नहीं पौधे। मतलब आज की वीडियो में हम अपने व्यूअर्स को सिखा रहे हैं कि आप कैसे बहुत ही कम खर्चे में कैसे गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं, तो जुलाई फर्स्ट जयपुर में जो लोग मेरे को देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगी, 1 जुलाई को गवर्नमेंट नर्सरी खुलती है। ओके, तो वहाँ से आप 8 या 10 रुपए या 15 रुपए में आप बहुत सारे प्लांट्स खरीद सकते हैं वहाँ से। वेरी नाइस। ये देखिए कितने सुंदर फ्रूट आ रहे हैं फ्रेंड इस पे जी सर। तो ये है आपका नारंगी, और पूरा गुच्छों में इसमें फ्रूट्स आपको नजर आ रहे हैं। और इसको क्योंकि अच्छी खासी जगह मिल गई है फैलने के लिए, तो इसलिए इस पे जो फ्रूटिंग हो रही है ये ऑर्नामेंटल है।
ऑर्नामेंटल है, ये खाने में तो काफी खट्टा होता है, बट ये कभी कभी नींबू का बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके पास में नींबू नहीं होता है ये बहुत अच्छे से काम करता है आपका। नाइस। इधर अब मैं अगर पीछे की तरफ आपको लेके जाऊँ तो मुझे मैम एक यहाँ पे बटरफ्लाई नजर आ रही है, इसके बारे में बताएंगे? जी सर, ये अभी मेरी रिसेंट क्रिएशन है, अभी ये भरेगा तब ये सुंदर दिखाई देगा। नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो मैं आपको पूरा, फिलहाल फ्रेंड ये मैम ने शेप दे दिया, अगर आपको दिखाऊं, एल्युमिनियम वायर से पूरा इसको कवर कर रखा है, एक शेप दे दिया है जेट प्लांट को, जो कि धीरे धीरे पिंचिंग होती रहेगी तो पूरा भर जाएगा और एक बटरफ्लाई आपको नजर आएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं कभी जयपुर आऊँगा तो मैम के गार्डन में ज़रूर आऊँगा और आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप भी जेट प्लांट से बटरफ्लाई बना सकते हैं। जी सर, मैंने देखा सर पिकॉक तो सभी ने बना रखा है, तो कुछ थोड़ा डिफरेंट किया जाए, तो इसलिए मैंने उसके बटरफ्लाई बनाने की कोशिश की है। देखिए काफ़ी हद तक तो लग रहा है सक्सेस हो जाएगी। तो ये फ्लावरिंग के बारे में बताइए हमारे फ्रेंड्स को। जी सर, जो फ्लावरिंग हो रही है आपकी, ये कैना लिली है जी। तो ये यहाँ का नेटिव प्लांट है राजस्थान का। ओके। तो इस टाइम ये आपको हर घर में मिल ही जाएगा ऑलमोस्ट। अच्छा जी सर। नाइस। ये भी कैना लिली का ही एक है, ये ब्लड रेड कलर आता है इसका। तो इसका बहुत ऐसा कलर बहुत सुंदर आता है, एक्चुअली आज नहीं है, नहीं तो ये काफी गुच्छों में खिला रहता जी। तो ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिया था। हॉलीहॉक प्लांट्स जो लोग लगाते हैं वो प्लांट लवर जो रहते हैं वो आपस में एक्सचेंज भी करते हैं, प्लांट्स जो उनके पास होता है हम ले लेते हैं, हमारे पास होता है उनको दे देते हैं जी। तो इस तरह से ये भी एक हॉलीहॉक का वाइट कलर है। नाइस। जी सर, ये टंकी देखिए, मेरे हस्बैंड के टंकी जो अच्छा। कट के आई थी, फिर मैंने काट काट के ईंटे लगा के नीचे जी। और इसमें नीचे एक वो बोरी बिछाई हुई है। ओके। उसके ऊपर मैंने ये भी हो गया, ये भी एक कबाड़ से जुगाड़ है, कबाड़ जो किया हुआ है बस। नाइस जी सर। तो टंकियां काफी जगह पे यूज करके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया जैसे टंकी टूट के आती है मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ कि आज मुझे कुछ मिलने वाला है, मेरा एक नया प्लांटर आ गया है। तो इस तरह से ये देखिए बोगनवेलिया, तो नीचे तो मैम का बोगनवेलिया काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर भी मैम ने कुछ छोटे छोटे बोगनवेलिया लगा रखे हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी आपको फ्लावरिंग नजर आ रही है। 42 डिग्री टेम्परेचर में अपनी परफॉर्मेंस सही दे रहा है। हाँ, वैसे भी राजस्थान में तो बोगनवेलिया बहुत अच्छे ग्रो बहुत अच्छा है। ये भी मैं आपको बताऊँ, ये मैंने चिड़िया के दाने के लिए जो बनाया हुआ है, ये ग्लूकोज मेरी मदर इन लॉ को चढ़ता था। अच्छा। उनका स्टैंड है ये, तो मैंने ये जो हॉस्पिटल में जो स्टैंड्स होते हैं जी सर। अच्छा। उनकी डेथ के बाद में फिर मैंने सोचा मैं इसको किसी काम में लिया जाए, तो इसको मैंने चिड़िया का दाना डालने के लिए बना दिया। ओके। तो ये स्टैंड है फ्रेंड जो हॉस्पिटल्स में आप अक्सर देखते हैं, उस पे आप पीछे एक बहुत प्यारा ब्लड रेड कलर का गुड़हल आ रहा है, ये डबल पेटल वाला है, ये बहुत अच्छे फ्लावरिंग करता है, बहुत सुंदर जी सर। अब एक्चुअली अप्रैल लास्ट आ गया तो इसलिए थोड़ा फ्लावरिंग सब जगह कम हो गया है, वरना ये फेब और मार्च में पूरा फ्लावर से फिल था एकदम। ओके। अडेनियम अगेन फ्रेंड मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और उस पर देखिए ऊपर अब आपको मैम कुछ दिन के बाद सीड्स भी मिल जाएंगे। तो ये इसका कॉडेक्स देखिए आप, काफी अच्छा है, कॉडेक्स बहुत ही अच्छा है जी सर, ये पुराना है। फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी हो रही है जी सर। तो ये सारे के सारे मैम के प्लांट्स के कलेक्शन हैं जो कि मैंने आपको दिखा दिए। ये एडेनियम जो आप देख रहे हैं ये मैंने खुद से लगाया है, ब्रांच से कटिंग करके लगाया हुआ है। अच्छा, कटिंग से लगाया जी, कटिंग से लगाया है। ये कितना पुराना है मैम? ये है 5-6 साल पुराना है। ओके। तो कटिंग से लगाया, कटिंग से लगाया, ये इसकी जो जड़ें, ये जड़ें थी, तो मैंने क्या किया है इसको नीचे इसके प्लास्टिक की प्लेट लगा के इसको थोड़ा ऊपर कर लिया, तो ये जड़ों का भी कॉडेक्स बन गया एक तरह से ना। तो अभी हमें यहाँ पर कुछ टमाटो के प्लांट भी दिखाने वाले हैं जी सर। और ये जो टेबल देख रहे हैं आप, ये भी मैंने ही बनाया है, ये बाथरूम के बचे हुए टाइल्स हैं, और ये दो फैन के स्टैंड हैं जिनको मैंने जोड़ा, और ये फैन का नीचे का स्टैंड था जिसे मैंने उल्टा करके लगाया हुआ है अभी। ओके। तो टाइल्स लगा के मैंने व्हाइट सीमेंट लगा के इसको पैक कर दिया सही। ये फाउंटेन जो आप देख रहे हैं ये बन रहा है अभी, थोड़ा अभी आधा काम पड़ा हुआ है इसका। तो ये क्या क्या यूज कर रहे हैं? ये सर इसके अंदर साइकिल के ये टायर ट्यूब्स हैं सारे। अच्छा। तो इसमें मैंने नीचे पानी नहीं निकले इसके लिए साइकिल की जो रिम होती है जी। पहले वो जैसे अपन छत के लैंटर डालते हैं उसी तरह से पहले उसको डाला, फिर ऊपर सीमेंट लगाया, तो इससे ये मजबूत हो गया। नाइस। तो ये अभी काम चल रहा है इसका। और ये जो आप टहनी देख रहे हैं ये पेड़ की टहनी है, ये मैंने बाल्टी में सीमेंट डाल के और उसके अंदर ये टहनी को डाल दिया। हम लाइट्स वाइट्स लगा लेते दिवाली पे। Okay. और मैंने पहले इसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स भी टांग रखे थे, बट अभी बहुत ज्यादा धूप होने की वजह से वो मर गए सब। संदीप जी, ये आप जो टब देख रहे हैं ये बाथ टब है जी। ये मेरे वॉशरूम में से निकला था हुँ. तो इसे मैंने फेंकना नहीं चाहा, और मैंने सोचा ये सालों साल चलेगा,
तो क्यों ना इसे काम में लिया जाए। पहले विंटर्स में मेरी इसमें वेजिटेबल्स लगे रहते थे, इसमें काफी पालक लिया है मैंने इससे। तो अभी मैं एक आपको नीचे बता रही थी कि एक बर्ड्स कुछ प्लांट्स लगा जाते हैं, तो वो ये कॉक्सकॉम है। तो ये अब इसके सीड्स देखिए, गिरने के बाद में देखिए ये मिनी प्लांट्स जो आपको दिख रहे हैं ना जी, ये सब इसके सैपलिंग्स सब इसी का कॉक्सकॉम है, जो ये बर्ड्स के द्वारा ही लगा हुआ है। ये बर्ड्स के द्वारा लगता है और ये इतना रेड ब्लड इतना सुंदर हो जाता है जी, अगर आप इसको देखेंगे ना बिल्कुल रेड हो जाता है, पूरा भर जाता है जी सर। हाँ, इसको कहीं कहीं मुर्गा कलंगी या कुछ समथिंग ऐसे बोलते हैं। तो ये आप अगर एक बार अगर आप खुद भी ले आएंगे कहीं से तो ये सालों साल आपके गार्डन में रहता है जी। तो फिर ये मैंने ये कुछ कुछ कटिंग्स हैं इसमें, जैसे कहीं मेरे से एक कटिंग भी फेंकी नहीं जाती है, तो मेरे हाथ से अगर प्लांट टूट गया या कुछ हुआ मैंने कटिंग लगा के इसको टब में रख देना है लाके तो मैं इसमें लगा देती हूँ। और ये देखिए अब ये प्लांट ये सूख रहा है, एक्चुअली ये जो मैंने आपको आगे बताया था हॉलीहॉक का प्लांट है जी, जी। तो इसके ये सीड्स हैं, ये देखिए ये मैंने सीड्स के लिए इसको अभी तक रखा हुआ है। तो आप विंटर्स में ये सीड्स दोबारा ग्रो करेंगे तो बड़े सुंदर फ्लावर्स निकलते हैं इसमें, तो मैंने इसीलिए इसको सूखने के लिए रख लिया था, प्रिजर्व कर लिया था ताकि नेक्स्ट ईयर आप इसको काम में ले सको। और ये एक बार ये भी आपके गार्डन में आ जाएगा तो ये भी सालों साल बना रहेगा जी। पीछे मैम मैं देख रहा हूँ चंपा भी काफ़ी सारे लगाए हुए हैं आपने जी सर, तो काफ़ी हेल्दी है, इनकी कंडीशन देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत हेल्दी कंडीशन में है ये सारे के सारे जी सर। ये सब कटिंग से लगे हैं, ये नीचे जो ये सारे कटिंग से लगे जी सर, चंपा के सब हाँ कटिंग से हैं। मैंने आपसे जैसे बताया कि मेरे से एक भी कटिंग फेंकी नहीं जाती है जी, तो कटिंग निकलती है और मैं उसको प्रोपेगेट कर देती हूँ ग्रो बैग्स में। आपने ग्रो बैग्स में और काफी हेल्दी है जी। नीचे मैं आपको एक बाथ टब और दिखाऊंगी। अच्छा, मेरी एक बालकनी में बाथ टब और लगा हुआ है, तो मैंने पुदीना और टमाटर वगैरह लगा रखे हैं। चलिए अपन ये जो आप बाथ टब देख रहे हैं ये भी मेरे एक बाथरूम में से बाहर निकला था, तो इसमें मैंने ये पुदीना लगा रखा है और ये टमाटर लगा रखा है। टमाटर के बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी मेरे व्यूअर्स को कि ये बहुत इजीली ग्रोइंग प्लांट है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक टमाटर लेंगे उसे स्लाइसेस काट लीजिए और इसको मिट्टी में दबा दीजिए। ये देखिए इसकी ये सैपलिंग निकले हुए ना, ये मैंने ऐसे ही उगाए हैं, ये टमाटर के सैपलिंग्स हैं और ये कुछ दिनों में ऐसे ही हो जाएगा। मतलब कहीं से बीज नहीं लाए, आपके खुद के जो टमाटर घर के टमाटर हैं घर से, और ये सबसे इजी और आपको बहुत सुंदर लगते हैं लगे हुए देखने में, बहुत ही अच्छा है और काफी अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं, काफी इस पे फ्रूट्स भी जी सर, बहुत फ्रूट इसने ये सेकंड या थर्ड बार फ्रूटिंग की है। ओके, और ये देखिए फ्रेंड कितने सुंदर मनी प्लांट्स हैं यहाँ पे जी सर, पूरा। और मनी प्लांट के बारे में मिथ है कि आप इसको चोरी करके लगाएंगे तो ही लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको 20 रुपीज में 20 साल पहले खरीदा था, हालांकि मैं तो इसकी कटिंग बहुत सारी फेंक भी देती हूँ कि, और ऐसा कोई वहम करने की ज़रूरत नहीं है कि फेंकने से आपका मनी खत्म हो जाएगा या कुछ होगा, लेकिन प्लांट को बुशी बनाना तो आपको इसी कटिंग करनी पड़ेगी। तो ये मैंने एक टंकी में भी लगाया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक मैंने ऑयल कैन की ट्रेन बनाई हुई है। वाओ जी जी सर, नीचे जैसे कि हमने ट्रेन देखी थी वैसे यहाँ पर भी एक ट्रेन है जी सर, बहुत। और हाँ, इसमें ये एरेलिया का प्लांट आपने देखा ही होगा, अभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है सर। ये पान का मुगलई पान का पौधा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप चाहें तो टेस्ट करके देख सकते हैं इसको। माउथ फ्रेशनर है एक तरह के का जी, बट बहुत अच्छा है ये, और इसको सेमी शेड में रखेंगे तो ये इजीली ग्रो होगा। लोगों का मानना है कि गर्मी में मर जाता है, सबका परेशान होते हैं लोग इसको लगाने के बाद, बट आप इसको सेमी शेड में रखेंगे अच्छे से चलता है। सो फ्रेंड्स कैसे लगी वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज की वीडियो में नीतू बंसल जी ने आपको अपना गार्डन भी दिखाया, साथ ही में जितनी भी इन्होंने चीज़ें बनाई थी, जितने भी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट के ऑप्शंस थे वो सारे के सारे आपको दिखा दिए हैं। मुझे लगता है आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और आप चाहते हैं कि मैं दोबारा फिर से जयपुर आऊँ, फिर से इनके गार्डन में आऊँ, तो उसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जयपुर आऊँ तो इनके गार्डन को भी एक बार फिर से कवर करूँ। तब तक मैम काफ़ी सारी चीज़ें आप बनाएंगे अभी जी सर जी, तो आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। अभी जयपुर में मैं और भी गार्डनर्स के पास जाने वाला हूं, तो जयपुर सीरीज़ काफ़ी लंबी चलने वाली है हमारी, तो आप सारे के सारे एपिसोड ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट मैं इसके बाद लखनऊ भी जाने वाला हूं, तो जो भी लोग मुझे लखनऊ से देख रहे हैं वो सारे के सारे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर मेरी मेल आईडी आ रही है, आप वहाँ मुझे मेल करिए, अपने गार्डन की पिक्चर्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह सेंड कर सकते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे वहाँ पर मेल करिएगा, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर करूँगा। और लखनऊ में जब भी आता हूँ मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा और आपके गार्डन की वीडियो अपने चैनल पर ज़रूर लेकर आऊँगा। सो फ्रेंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि मैम के साथ कुछ रील्स भी मैं कवर करने वाला हूँ जो कि इंस्टाग्राम पे अपलोड होंगी, तो वो भी देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वो भी रील्स होने वाली हैं, तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिए। फेसबुक पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी फॉलो करिए, क्योंकि ये भी मैम के साथ मैं फेसबुक पे भी लाइव जाने वाला हूँ और इनके गार्डन को वहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ। मिलता हूँ जयपुर सीरीज़ के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खासियत है
ये फ्लावर एक ही दिन खिलेगा और अगले दिन बंद हो जाएगा, और इसके जब तक ये जैसे इस रूप में है, ये खिला नहीं है अभी, ये बड है, इसको आप पकौड़े बना के भी खा सकते हैं। नीचे इतने अर्थवॉर्म्स हैं कि बरसातों में तो हमारे यहाँ चलना डिफिकल्ट हो जाता है। पालसे का शरबत वगैरह बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट चीज़ है। बेसिकली मुनक्के वाली वैरायटी है ये, पीली वज्रदंती है।